पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि 500 साल बाद आज राम लला जो है वो अपने बगले में यानी उनके महल में विराजमान होने वाले हैं, और आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, अयोध्या के अलावा हर जगह पे उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में मौजूद है। यहाँ पे राम जी के आने की खुशियाँ मनाई जा रही है, राम जी अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, इसकी खुशियाँ मनाई जा रही है, काफी लोग देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उत्साह का माहौल है, और किस तरीके से यहाँ पे सामूहिक दीपोत्सव मनाने वाले हैं, और कई लोग आए हुए हैं यहाँ पे जो लोग इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, बच्चे छोटे बड़े सभी इसमें मौजूद हैं। चलिए हम इनके ऑर्गेनाइजर से बातचीत करते हैं कि आखिर उनको कैसा लग रहा है आज रामलला अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, कैसा लग रहा है। बिल्कुल, अब तो आप देख रही हैं कि पूरा मोहल्ला किस तरह से उत्साहित है, हमारे रामलला आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो है रामलला को स्थापित कर रहे हैं, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हम हिंदू सनातनों के लिए। आज सारा मोहल्ला आप देख रहे हैं किस तरह से जाग गया है हिंदू, और ये हमारे इनका आशीर्वाद है कि हमारे प्रधानमंत्री का ये देन है, जो कि मोदी का देन है, कि ये लोगों के चलते रामलला आज हमारे विराजमान हो रहे हैं 700 वर्षों के बाद। इससे बड़ी बात और हिंदू धर्म के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इस क्षण को देखें। हजारों लोगों ने बलिदान दिया, सारे लोगों ने इसमें अपना सारा योगदान दिया, आज इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है कि इतना ज्यादा खुशी हम लोगों को है। वो तो आपको नजर आ रहा होगा, नर नारी सारे एकदम उतर गए हैं रोड पर, और सारा विश्व इसको मना रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आखिर रामलला अपने झोपड़ी से निकल कर अपनी जगह पे गए हैं, अपने घर में गए, झोपड़ी से निकल के अब रामलला जब अपने घर में गए हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि अब सारे लोगों को घर मिलेगा, सारे लोग सुख शांति में होंगे। जब हमारे रामलला ही कष्ट में थे तो हमको सुख कहाँ से मिलता, आज हमको सुख इसलिए मिलने की संभावना हम नजर आ रही है क्योंकि हमारे रामलला जो है वो अपने जगह पर विराजमान हो गए, उनका अपना स्थान मिल गया। अब सारे सनातनी, सारे विश्व के लोग सब सुखमय हो जाएंगे, सारे जगह जो है खुशियां होंगी, सारे लोगों का जो दिमाग गड़बड़ हो रहा था, जो गलत लोगों की धारणा थी, वो सारे चीजें अब बदलेंगी, और हम लोग फिर से एक बार विश्व गुरु होंगे। अच्छा, ये काशी मथुरा वाला भी मैटर आ रहा है, क्या लगता है काशी मथुरा में भी भगवान आएंगे? देखिए, भगवान तो को आना तो है ही है, वो तो अब प्रयास देख रहे हैं कि लोगों का प्रयास क्या है। भगवान तो जब चाहेंगे आना तब आ सकते थे, उनके लिए आने में कहीं कोई नहीं था, वो देख रहे थे कि हमारे सनातनी, हमारे जो मानव जाति जो है वो मेरे लिए क्या कर रहा है। जब उभरे हैं तो जिससे आना होगा वो तो स्वतः चले आएंगे, उसका कोई मनुष्य के हाथ में ये नहीं है, वो राम जब चाहे वो आ गए। आज उनका ये था वो आ गए, इसलिए हम लोगों का प्रयास थोड़ी है, हम लोगों का स्नेह है, हम लोगों का आशीर्वाद वो देने के लिए आए हैं। और रहने की बात है काशी और मथुरा, जब ऊपर वाले चाहेंगे तब वो हो जाएगा अपना, यही अगर सब कोई बनाए रहे अपना और इस तरह से सब लोग संगठित रहे तो सब जगह राममय हो जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा, सब अपना हो जाएगा, सारे सुखी हो जाएंगे। अच्छा, ये राम जी आ रहे हैं, क्या लगता है मोदी जी भी फिर से आएंगे? सरकार क्या मोदी की फिर से? देखिए, राम जब आ गए तो राम के चाहने वाले तो रहेंगे ही जी, तो राम को जो चाहेगा वो रहेगा, जो राम को नहीं चाहे, यानी कि बीजेपी की सरकार फिर से बननी। अब बीजेपी की बात ही इसमें नहीं है, आज सिर्फ राम में है, राम 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 राम, बस राम है तो सब है, और जो राम को मानेगा सो आएगा। यहाँ यहाँ पे और भी लोग, उनसे भी जाने की गप, सभी में काफी जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैडम भी, मैडम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, 500 साल इंतजार के बाद हम लोग तो बहुत नीचे आ गए हैं, 500 से जो प्रयास किया, भगवान को जब आना था अपने घर में वो भगवान अपने आप आ गए। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतने सारे लग रहा है, बहुत बहुत इतना अंदर से खुशी है कि कह नहीं सकते हैं, लग रहा है हम लोग में राम बस गए हैं। अयोध्या नहीं जा सके लेकिन यहाँ हम लोग अयोध्या को यही बुला लिए हैं, जब जरूर कम हो जाएगा भीड़
तब हम लोग जरूर जाएंगे। आज यहीं से हम लोग दर्शन करेंगे। हाँ हाँ, यहीं से दर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, और जो कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से ही मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है देखकर, और काफी खुशी का माहौल है यहाँ पे, उत्साह का माहौल है। इनको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हम राम की नगरी में आए हैं। राम की नगरी में आए हैं, भले अयोध्या नहीं तो क्या हुआ, हमारा घर ही अयोध्या में। हम लोग घर ही अयोध्या हो गया है, पूरा हर पल जग पग पग अयोध्या है। हम लोग हर राममय बना दिए हैं सारा दुनिया को। अब अगली बार जाएंगे अयोध्या? बिल्कुल जाएंगे, जब मौका मिलेगा जाएंगे जी। तो आप देख रहे हैं काफी सारे लोग हैं, काफी खुशी का माहौल है, और यहाँ पे जनता भी देख सकते हैं, काफी सारी जनता जो है यहाँ पे इकट्ठा हुई है राम उत्सव मनाने के लिए। और दीपोत्सव भी होगा रात में, जो है दिया जलाया जाएगा। और देखने लायक बात ये है कि अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के अलावा हर जगह जो है दीपों से जगमग दिखाई देगा और उजाला दिखाई देगा। एक तरीके से फिर से दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि रामलला अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए बिहार संवाददाता।